गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने लिए एक विशेष दिन है। आज मैं पढ़ाई के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, जो अपना टॉपिक चल रहा है उसको थोड़ा स्टॉप करूँगा यहाँ पर, और आज आपसे कुछ अपने दिल की बातें शेयर करूँगा। पिछले 2 महीने से अपन ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। अपना चैनल है APS स्कूल साइंस क्लासेस कठुमर अलवर। तो इस चैनल पर आपकी जो केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी उसमें आज तक अपन ने कोई बातें नहीं की थी कुछ, लेकिन आज एक स्पेशल डे है मेरे लिए, तो इसलिए मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। आपको पता है, आप सब भी जानते हैं कि 12th साइंस का रिजल्ट आ गया है, 12th क्लास का रिजल्ट आ गया है, और हमारे स्कूल का, हमारी कोचिंग का, साइंस क्लासेस का रिजल्ट कैसा रहा इस पर अपन बातें करेंगे। कौन कौन स्टूडेंट हैं जो हमारे स्टार स्टूडेंट्स बने हैं, जिन्होंने टॉप किया है, अपना परचम लहराया है, और स्टूडेंट्स की भी बातें करेंगे। आगे के लिए आपको क्या करना है उसके बारे में भी बातें करेंगे। तो मैं आपको, मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोगों ने जो पूरी साल मेहनत की थी, एक टीचर का सपना होता है कि उसके स्टूडेंट्स 100 में से 100 नंबर लाएं। जब 100 में से 100 नंबर आते हैं तो शायद स्टूडेंट से ज़्यादा उस टीचर को खुशी होती है कि उस टीचर ने जो दिया स्टूडेंट ने सारा गेन किया। तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह रही कि हमारी कोचिंग का जो टॉप क्लास स्टूडेंट था, जिसे आप सब लोग भी जानते हैं, मोहित खंडेलवाल, भली भांति परिचित हैं आप इस नाम से। साल भर जब भी टेस्ट हुआ इस बच्चे ने फर्स्ट प्राइज जीता था। बहुत ही अच्छा स्टूडेंट, मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स में से एक है, और इसने केमिस्ट्री में 100 में से 100 नंबर लाकर मेरा बहुत मान बढ़ा दिया। आई एम प्राउड ऑफ हिम, गर्व करता हूं मैं इस पर कि इस बच्चे ने पूरे साल 1 ईयर अच्छे से पढ़ाई की, हर सब्जेक्ट को अच्छे से समझा, सभी सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, और इस बच्चे की जो ऑल ओवर परसेंट बनी है वो 96.80%। थोड़ा बैड लक कहूंगा कि इंग्लिश में कम नंबर रह गए, वरना हिंदी में 100 में से 100 नंबर लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हिंदी जैसे सब्जेक्ट में मोहित ने 100 में से 100 नंबर लाए, केमिस्ट्री में 100 में से 100 लाया, मैथ में 100 में से 100 लाया, फिजिक्स में 98 नंबर लाना, तो बहुत ही खुशी की बात है ये। आज दिल प्रसन्न हो रहा है मेरा, और ऐसी उम्मीद है कि जो मेरे आगे स्टूडेंट्स हैं 12th क्लास वाले, ये भी इस बच्चे से प्रेरणा लेंगे, इस बच्चे से इंस्पायर होंगे और सीखेंगे कुछ कि पढ़ाई कैसे की जाती है, कैसे हम भी टॉप आ जाते हैं। ये बच्चा आप लोगों के बीच में ही पढ़ा था, आप लोगों के साथ था, डेली इतनी दूर से आना और फिर वहाँ वापस जाना, डेली क्लास अटेंड करना, अपना वर्क करना, याद करना, हर टेस्ट को फाइट करना, सारा ये साल भर की मेहनत थी जिससे ये इस परसेंटेज पर पहुंचा है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंग्लिश में जो कोई मिसगाइड हो गया है या उसकी किस्मत बेकार है कि कम नंबर आए हैं, 86 नंबर आए हैं, वो भी आगे रिवेल में इसके नंबर बढ़ेंगे और ये परसेंटेज और इंक्रीज होगी, कम से कम 98-99 पर पहुंचेगी। तो ये हमारा टॉप क्लास स्टूडेंट रहा है मोहित खंडेलवाल, इसके लिए दिल से मैं इस स्टूडेंट का आभार व्यक्त करता हूं कि इसने
अपने गुरुजनों का, हमारे महेंद्र सर जी का, सुभाष सर जी का, भारत सर का, रोबिन सर का, अवस्थी सर का, सबका नाम रोशन किया है। ये हमारा टॉप स्टूडेंट रहा है। और जो हमारे टॉप स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा आपको। मोहित के बाद ये बच्चा रहा है भरत अग्रवाल, बहुत ही सिंसियर बच्चा है। भरत अग्रवाल, इसने भी केमिस्ट्री में 97 नंबर है इसके, और ऑल ओवर जो इसकी परसेंटेज बनी है वो बनी है 93.60। लेकिन स्पेशल बात क्या है इस स्टूडेंट के लिए, ये भी किसी मायने में मोहित से कम नहीं है। परसेंटेज जरूर कम बनी है, लेकिन इस बच्चे ने एक एडिशनल सब्जेक्ट साथ रखा था, बायोलॉजी। मैथ भी पढ़ी और बायोलॉजी भी पढ़ी, और 6 सब्जेक्ट पढ़ा है साल भर, और उनमें सारे सब्जेक्ट में इसने हाई स्कोरिंग की है। सारे ही सब्जेक्ट में इसके अच्छे नंबर हैं, 90 प्लस नंबर हैं। तो इसके लिए भी एक विशेष बात है, ये भी हमारा स्टार स्टूडेंट्स हैं ये सारे। और देखिए और कौन है अपना, मनीष सैनी, बहुत ही अच्छा लड़का है ये, आप ही के बीच में से निकला हुआ है मनीष सैनी। इसके केमिस्ट्री में 95 नंबर है और 93.20, दोनों के बीच में जबरदस्त कंपटीशन था। 93.20 परसेंट बनाए एक ही जगह से, 90 प्लस में इतनी परसेंटेज निकलना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और एक और स्टूडेंट है अपने चेतन जांगिड़, इन्होंने भी 91.80 परसेंट। जिनके 95 और ऑल ओवर परसेंट 91.80 परसेंट है, 92 परसेंट। तो ये आप देखिए 90 प्लस में ही 4 बच्चे अपने आ गए जिन्होंने 90 प्लस परसेंट है। इसके अलावा बायोलॉजी की एक बच्ची थी बहुत ही अच्छी, ज्योति करसोलिया। इस बच्ची ने भी केमिस्ट्री में 91 नंबर है इसके, और ऑल ओवर परसेंट है इसकी 92.40। तो ये अपने वो बच्चे हैं जिनकी 90 प्लस परसेंट बनी है, टॉप 5 स्टूडेंट्स। इतना बढ़िया रिजल्ट और किसी कोचिंग से नहीं गया अपने पूरे क्षेत्र में, आपके लक्ष्मणगढ़ में या नगर में, कठुमर, गंजखेली, महुआ, यहाँ तक के बच्चों का किसी का इतना टॉप रिजल्ट नहीं गया है जितना हम लोगों ने दिया है ये शानदार रिजल्ट। तो दिल से इन स्टूडेंट्स के लिए, जो ये टॉप 5 स्टूडेंट्स हैं, हमारे टॉप स्टार हैं, 5 स्टार हैं, इन टॉप 5 स्टार्स के लिए दिल से आप दुआएं दीजिए। मेरी शुभकामनाएं इनके लिए कि ये भविष्य में अपना जो इनका एम है उस एम को प्राप्त करें, और इस तरह से ही APS स्कूल साइंस क्लासेस का नाम रोशन करें। हर जगह आप जी जाएंगे, 12th की परसेंट हर जगह मायने रखती है। तो जिस भी जगह जाएंगे तो हमारी स्कूल का नाम, हमारी कोचिंग का नाम इनके साथ चलेगा, तो हमारा नाम होगा। बाकी केमिस्ट्री में जो ऑल ओवर रिजल्ट रहा है, मैं अपने सब्जेक्ट की थोड़ी बात करता हूँ। ये तो आपके टॉप 5 स्टूडेंट रहे ही हैं। केमिस्ट्री में 15 बच्चे ऐसे हैं जिनके 90 प्लस नंबर हैं, 15 स्टूडेंट्स गेट 90 प्लस नंबर मार्क्स, मतलब 15 बच्चों के तो 90 से ऊपर है, 90 से 100 के बीच में। उन बच्चों के मैं नाम लेना चाहूंगा,
मोहित के 100 नंबर हैं, पंकज शर्मा जिसके केमिस्ट्री में 98 नंबर हैं, ये भी बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है और इसकी परसेंटेज भी 89.20 है, थोड़े से कसर रह गई वरना ये भी 90% से ऊपर चला जाता। तीसरा सुखराम प्रजापत, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था ये मेरा और उसने 97 मार्क्स प्राप्त किए हैं। पंकज शर्मा 98 और एक सुखराम 97। आप देख लीजिए केमिस्ट्री में मार्क्स जो आए हैं, 100 भी आए हैं, 98 भी आए, 97 मार्क्स थ्री स्टूडेंट्स के आए, एक सागर सिंह उसके भी 97 मार्क्स हैं। सागर सिंह 97 मार्क्स। इसके अलावा चेतन जांगिड़ और मनीष सैनी दोनों ने 95 मार्क्स प्राप्त किए हैं, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है। चंचल कुमारी एक स्टूडेंट है जिसने 94 नंबर आए हैं उसके, चंचल के। इसके अलावा ज्योति करसोलिया, वंश शर्मा, भानु प्रताप, बिल गेट्स, इन तीनों ने, चारों ने 91 मार्क्स लिए हैं। अपने आप में इतने अच्छे नंबर केमिस्ट्री में अपने पूरे एरिए में या अलवर सिटी में भी नहीं आए, अलवर सिटी में जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं उनमें भी इतने अच्छे नंबर केमिस्ट्री में नहीं आए। केमिस्ट्री का पेपर देखने में इजी था लेकिन हर किसी के लिए इतने अच्छे नंबर प्राप्त करना उसमें सरल नहीं था, क्योंकि हार्ड मार्किंग की गई, बड़े बड़े जो नाम थे वो ढेर हो गए लेकिन अपना रिजल्ट सबसे शानदार रहा है। इसके अलावा तीन स्टूडेंट और हैं, अंकित कुमार, रविंद्र कुमार और रोहित कुमार अग्रवाल, इन तीनों ने ही 90 नंबर प्राप्त किए हैं, 90 नंबर। तीन स्टूडेंट हैं अंकित, रविंद्र और रोहित, तो ये 15 स्टूडेंट्स हो गए अपने जिन्होंने 90 से लेकर और 100 के बीच में 90 प्लस मार्क्स प्राप्त किए हैं। इसके बाद राकेश कुमार और ज्योति कुमारी, इन्होंने 89 नंबर इनके केमिस्ट्री में आए हैं। परसेंटेज वाइज देखें तो इनकी एग्रीगेट परसेंटेज कम है लेकिन फिर भी इनके केमिस्ट्री में हाई स्कोरिंग नंबर है। धर्मेंद्र, इसके भी 88 नंबर हैं। मुबीन खान 87 नंबर हैं और 82%। सचिन मीणा और वसीम खान, इन दोनों के भी 87 नंबर हैं। मीनल कुमारी 86, यश जैन 85, भूदेव शर्मा 84, दामोदर 84, दिनेश जाटव 84, प्रशांत कुमार 84, जय सिंह, केतन, अमन अवस्थी, इन दिनों के 83, चारुल खंडेलवाल और शिवा के 82, रवीना योगी, चिंटू सेन और मोहम्मद अब्बास अली और गौरव अवस्थी, इन चारों के 81 मार्क्स आए और हर्ष चौधरी, प्रिया चौधरी, रवि चौधरी, इन तीनों के 80 मार्क्स आए। तो आपके अबाउट 40 स्टूडेंट्स तो 80 प्लस रहे हैं। 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके केमिस्ट्री में 80 प्लस मार्क्स आए हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो बात क्या है कि स्टूडेंट्स ने मेरे साथ अच्छी मेहनत की है, मेरी मेहनत को सफल बनाया है, उसका पता इससे चलता है कि जो एवरेज स्टूडेंट था, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, मैं नाम लेना चाहूँगा उनका, जिनकी परसेंटेज एग्रीगेट परसेंटेज कम थी लेकिन उन्होंने केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त किए। जैसे चारुल खंडेलवाल है, इसकी एग्रीगेट 72% है लेकिन केमिस्ट्री में इसने 82 मार्क्स गेट किए हैं। इसके अलावा एक और स्टूडेंट्स हैं भूदेव शर्मा, इसकी परसेंटेज तो 59 है, 59% एग्रीगेट है लेकिन केमिस्ट्री में इसने 84 मार्क प्राप्त करके मेरी नाम को बनाए रखा है। तो ये जो 40 स्टूडेंट्स हैं, इन स्टूडेंट्स से आप भी इंस्पायर हों, आप ये सीखें कि केमिस्ट्री जिसे आप हार्ड सब्जेक्ट समझते हैं, या ये बोलते हैं सर ये तो समझ भी नहीं आती है क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है।
अगर आप इन स्टूडेंट से पूछेंगे तो इन्होंने कुछ भी अलग नहीं किया, कोई स्पेशल अलग से डिश नहीं खाई है, केवल क्लास में ध्यान से पढ़ा, उसको कॉपी में अच्छे से उतारा और फिर उन नोट्स को ही घर पे जाके याद करना, उन्हें याद किया है, अच्छे से प्रॉब्लम्स किए हैं, क्वेश्चन किए हैं और उनको बार बार रिवाइज किया है। रिविजन इज मस्ट फॉर हाई रैंक। बार बार रिविजन से ही आप किसी भी सब्जेक्ट में एक टॉप क्लास स्टूडेंट बन सकते हो, अगर आप बार बार रिविजन करते हो तो। एक तो सबसे बड़ी खुशी की बात हमारे रिजल्ट के लिए है, आप सब स्टूडेंट्स को, सभी एपीएस स्कूल साइंस क्लासेस के स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से दिल से बधाई इतना अच्छा रिजल्ट देने के लिए। सभी बच्चे लगभग पास हुए हैं, अच्छा रिजल्ट दिया है, अच्छे नंबर आए, मैथ में बहुत बच्चों के 100 नंबर आए हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। हमारे महेंद्र सर जी की जो मेहनत है वो सफल हुई। आप इससे सीखें, इन बच्चों से प्रेरणा लें और आप भी अपने आगामी वर्ष के लिए, जो आपको अगले सेशन में बोर्ड का एग्जाम देना है, उस बोर्ड के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें अपने आप को। सबसे पहले तय होता है मेंटली प्रिपेयर करना। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं, मानसिक रूप से तैयार हैं, तो आप किसी भी एम को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी एम को आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आप मानसिक रूप से तैयार हैं तो। आपको सबसे पहले अपने दिमाग से ये चीज निकाल देनी है कि पहले क्या हुआ था या पहले मैं क्या था। आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी कि मुझे 12th क्लास में हाई परसेंटेज बनानी है और अपना जो टारगेट लेके चल रहे हैं वो 100 का टारगेट लेके चले। आपको 100 नंबर का टारगेट लेके चलना है। जब आप 100 नंबर का टारगेट लेके चलेंगे तब जाके आपके इस प्रकार के नंबर आ पाएंगे। ऐसा ना सोचें कि 90% बन जाएगी, आप 90 का टारगेट लेके चलेंगे तो 10% घट हो जाएगी। मोहित खंडेलवाल, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने इसको 100% का दिया था टारगेट, तो 100% नहीं तो 97% पर वो पहुंचा, 3% थोड़ा डाउन हो गया। उसको किस्मत की वो मार कह सकते हैं कि किस्मत थोड़ी खराब थी। तो आप भी अपना 100% 100% लानी है तो आपको अपना 100% ही देना पड़ेगा। आप 100% दीजिए अपना। जिस तरह से आदमी, आप केवल सारी चीजें भूल जाओ, केवल अपने स्टडी को ध्यान रखो, अपने बुक्स का ध्यान रखो, अपने कोर्स का ध्यान रखो, उसी को रिवाइज करो, उसी को याद करो बार बार, उसी को आत्मसात कर लो, अपना लो। अगर आपने इन बुक्स को, हमारे जो हम पढ़ाते हैं, इन चीजों को आत्मसात कर लिया, अपना लिया, तो शायद मुझे नहीं लगता कि आपकी परसेंटेज बनने से कोई रोक सकता है और फ्यूचर भी आपका यहाँ पर बन जाता है। आप सभी स्टूडेंट्स के ब्राइट फ्यूचर की मैं भगवान से कामना करता हूँ कि ये जो भी स्टूडेंट्स हाई रैंक से पास हुए हैं, जो अपने 12th क्लास पास आउट हुए हैं, ये सभी स्टूडेंट्स फ्यूचर में अपने एम को प्राप्त करने में सफल हों, सक्सेस हों और ऐसे ही हमारा नाम रोशन करें APS कठुमर साइंस क्लासेस अलवर का, जिससे हमें भी बहुत खुशी मिलती है ऐसे स्टूडेंट से। तो ये अपने एक रिजल्ट के बारे में आज मैंने क्लास में थोड़ी बात कर ली। आप लोग जानते हैं कि मैं कम ही बोलता हूँ, कम बातें करता हूँ, पढ़ाई के लिए ज़्यादा वो रहता हूँ, लेकिन जब रिजल्ट अच्छा आता है तो एक टीचर को अंदर से खुशी मिलती है कि उसके स्टूडेंट्स ने उसकी मेहनत को सफल बनाया। अब अपन वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, थोड़ी देर पढ़ाई कर लेते हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा था केमिस्ट्री में, 6th चैप्टर मेटलर्जी या धातुकर्म, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं इसमें आपको धातुओं के शोधन की विधियां बता रहा था। धातु शोधन की मैंने विधियां बताई थी आपको, लगभग अपनी सारी विधियां हो गई थी धातुओं के शोधन की, केवल एक बची थी क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखकी।
तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं आज की क्लास में, क्रोमेटोग्राफी या वर्णलेखिकी। सबसे पहले तो वर्णलेखिकी या क्रोमेटोग्राफी को देख लेते हैं। वर्णलेखिकी या क्रोमेटोग्राफी, वर्णलेखिकी या क्रोमेटोग्राफी क्या है? ये विधि उन पदार्थों या उन तत्वों को पृथक करने के लिए काम में आती है जो कि प्रकृति में सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। प्रकृति में सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले तत्व या पदार्थ के लिए उपयोगी है। जो भी प्रकृति में सूक्ष्म मात्रा में पदार्थ या तत्व पाए जाते हैं उनको मिश्रण से अलग करने के लिए या उनके मिश्रण में से पृथक करने के लिए उन अवयवों को हम ये क्रोमेटोग्राफी या वर्णलेखिकी विधि काम में लेते हैं। इस विधि में, ये विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? ये प्रवस्थाओं के अंतर पर आधारित है। मिश्रण की दो अवस्थाओं के मध्य वितरण पर आधारित है। इसका जो सिद्धांत है वो क्या है? मिश्रण की दो प्रवस्थाओं के मध्य वितरण, मिश्रण की दो प्रवस्थाओं के मध्य वितरण पर आधारित है। दो प्रवस्थाएं कौन कौन सी? एक तो गतिशील प्रवस्था, एक तो होती है गतिशील प्रवस्था। गतिशील प्रवस्था आपकी द्रव या गैस हो सकती है, द्रव या गैस। और दूसरी होती है आपकी स्थिर प्रवस्था, स्थिर प्रवस्था ये आपकी ठोस हो सकती है। ये प्रवस्था क्या हो सकती है? आपकी ठोस। तो इनके मध्य वितरण पर आधारित है। इनके मध्य किस पर आधारित है? वितरण पर। इसमें ठोस अधिशोषण पदार्थ के चयन पर आधारित है। ठोस प्रवस्था, अधिशोषण पढ़ा था ना आपने, वही ठोस प्रवस्था में अधिशोषण पर आधारित है, इस पर आधारित है। ये जो है इससे हम उन पदार्थों को अलग कर सकते हैं जिनके रासायनिक और भौतिक गुण क्या हो? समान हो। समान रासायनिक में भौतिक गुण वाले पदार्थों को, समान रासायनिक व भौतिक गुण वाले पदार्थों को अलग किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। इसके दो वो तीन प्रकार की है। ये अधिशोषण जो प्रक्रम सॉरी वर्णलेखिकी की जो विधि है ये तीन प्रकार की है। तो ये तीन प्रकार की कौन कौन सी है? इसके प्रकार तीन प्रकार की होती है। पहली है आपकी अधिशोषण वर्णलेखिकी, अधिशोषण वर्णलेखिकी।
दूसरी है वितरण वर्ण लेख की, और तीसरी आपकी है आयन विनिमय वर्ण लेख, आयन एक्सचेंज, आयन विनिमय वर्ण लेख की। इन तीनों विधियों में से हम केवल अधिशोषण वर्ण लेखिकी में पढ़ेंगे, इसी का अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित है। ये भी दो प्रकार की होती है, एक तो स्तंभ वर्ण लेखिकी और एक आपकी होती है पेपर वर्ण लेखिकी, स्तंभ वर्ण लेखिकी और दूसरी पेपर वर्ण लेखिकी, पत्र वर्ण लेखिकी। हमें जो पढ़नी है वो स्तंभ वर्ण लेख की पढ़नी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि वर्ण लेख की क्या है और ये कितने प्रकार की होती है, और फिर इस चैप्टर में अपन को क्या पढ़ना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया भाई इसका स्क्रीनशॉट। हाँ भाई, स्तंभ वर्ण लेख की कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। इसमें क्या है, एक कांच की आयताकार आयताकार या बेलनाकार कांच की एक बड़ी नली लेते हैं इस तरह से। इसमें हम अधिशोषक पदार्थ भर लेते हैं। अधिशोषक पदार्थ ऐसा भरा जाता है जो मिश्रण के घटकों से रासायनिक क्रिया ना करे, और उस अधिशोषक पदार्थ का इसमें लेप भर लेते हैं। ये जैसे अधिशोषक स्तंभ बना लिया, इस तरह से अधिशोषक स्तंभ बना लेते हैं। जो आपका अधिशोषक स्तंभ या कॉलम बनाया जाता है वो आप एलुमिना सिलिका जेल, एलुमिना Al2O3 सिलिका जेल, कैल्शियम कार्बोनेट स्टार्च सेलुलोज CaCO3 या स्टार्च या सेलुलोज का बना सकते हैं, इनका अधिशोषक स्तंभ बनता है। ये स्थिर है, स्थिर अवस्था पढ़ा था ना अपन ने शुरू में, ये स्थिर अवस्था है भाई, स्थिर अवस्था ये है अधिशोषक स्तंभ। ये बना दिया जाता है जैसे कांच की एक बेलनाकार नली में भर लेते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर हम इसके नीचे यहां पर तो एक ठोटी वाला ये लगा देते हैं निकास, और यहां बीकर रख लेते हैं, और ऊपर इसके मिश्रण भरते हैं आप कीप लगाकर, उस मिश्रण को भर देते हैं
जिस मिश्रण के तत्वों को हमें क्या करना है, पदार्थ को अलग करना है। यहां भर दिया है मिश्रण, मिश्रण ये आपका अधिशोषक स्तंभ, ठीक है भाई। अब होगा क्या, आपको पता है हर पदार्थ के अधिशोषण की दर क्या होती है, अलग अलग होती है। हर पदार्थ के अधिशोषण की दर अलग अलग होती है। तो जिन पदार्थों का इस मिश्रण में अलग अलग घटक है, ए बी सी मान लीजिए तीन पदार्थ मिले हुए हैं इसमें अपने ए बी सी, तो जिसके अधिशोषण की दर ज्यादा है, जिसको ये अधिशोषक स्तंभ ज्यादा अधिशोषित करता है, वो तो यहीं रुक जाएगा, अधिशोषित हो जाएगा। और जिसके अधिशोषण की दर कम है, जो अधिशोषित नहीं होता, वो इसमें रुकेगा ही नहीं, क्योंकि अधिशोषित नहीं हो रहा इसके द्वारा, तो सीधा इसमें से निकल जाएगा और नीचे आ जाएगा यहां। तो इस तरह से हमको तीन लेयर मिल जाएगी। अगर मैं यहां साफ साफ दिखाऊं इसमें, तो इस तरह से इस अधिशोषक स्तंभ में देखो एक लेयर तो ये मिल गई, एक ये मिल जाती है और एक ये मिल जाती है, तीनों पदार्थों की अलग अलग लेयर बन जाएगी। तो जो पदार्थ सबसे कम अधिशोषित होता है वो सबसे पहले इस कॉलम से बाहर निकल आएगा, नीचे आ जाएगा। मान लीजिए ए सबसे कम अधिशोषित होता है, ये सबसे अधिक अधिशोषित होता है, ए सबसे अधिक अधिशोषित है, सबसे अधिक अधिशोषित, तो ए तो ऊपर ही अधिशोषित हो जाएगा, नीचे नहीं आ पाएगा, तो ये तो ए मिल जाएगा, बी उससे कम है ये बी मिल जाएगा, सी के अधिशोषण की दर सबसे कम है तो ये सी यहां नीचे, तो सबसे पहले सी को अलग कर लेंगे, यहां से ये अलग कर लिया, फिर बी को अलग करेंगे और फिर ए को अलग कर लेंगे। इस तरह से हम मिश्रण में से इन बैंडों को काट कर क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। जो अधिशोषित नहीं होता वो तो नीचे आ जाता है, बाकी जो अधिशोषित होते हैं उनकी अलग अलग बैंड बन जाती है, अलग अलग रंग की, उनको अपन क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो ये आपके धातुओं के शुद्धिकरण की सबसे आखिरी जो विधि बची थी वो विधि हो गई है। आज के लिए इतना काफी है, अगली क्लास में हम जो हमारे प्रत्येक धातु के लिए धातु क्रम काम में आता है, लोहे के लिए, कॉपर के लिए, फिर एल्यूमिनियम के लिए, अलग अलग धातुओं के धातु कर्मों को देखेंगे, ठीक है ना, कैसे उनसे धातु प्राप्त की जाती है।